नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। कल बिहार के डिप्टी सीएम कोरोना संक्रमित पाए गए, उसके बाद से आपको बताते चले कि बिहार में माहौल थोड़ा खराब हो गया है। खासकर अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना संक्रमण ने गजब की रफ्तार पकड़ ली है। और एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि एम्स में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है वो दम तोड़ चुका है, यानी कि फिर से एक बार कोरोना का भयावह रूप देखने को मिल रहा है। अगर बिहार कोरोना मरीज कोविड संक्रमित मरीजों की बात की जाए तो इसका आंकड़ा जो है 2000 के पार कर चुका है। साथ ही आपको बताते चले कि कोरोना संक्रमण धीरे धीरे अब काफी तेजी से रफ्तार पकड़ने लगा है। सोमवार को पटना में 167 मरीज मिले थे, मंगलवार को ये संख्या बढ़कर 248 हो गई थी। हालांकि इसमें 44 पटना के बाहर के हैं, 191 पटना के निवासी संक्रमित हुए हैं, इनमें से 2 नवजात भी हैं, दोनों होम आइसोलेशन में हैं। साथ ही आपको बता दें कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स पटना में एक 3 महीने के बच्चे समेत 17 मरीज भर्ती है। इधर एम्स में 9 जुलाई से भर्ती समस्तीपुर के 62 वर्षीय अशोक कुमार सिंह की मौत भी हो गई है। पटना जिले में मंगलवार को आई रिपोर्ट में 0 से 12 वर्ष तक की उम्र के 9 संक्रमित मिले, 13 से 20 वर्ष तक के आयु के जो लोग हैं वो 20, तथा सबसे अधिक 21 से 30 वर्ष में 59 लोग संक्रमित हैं, 31 से 40 वर्ष में 42 और 41 से 50 वर्ष में 43 लोग संक्रमित हैं, 51 से 60 वर्ष में 32 एवं 61 से अधिक आयु वर्ग में 33 मरीज संक्रमित मिले हैं। सबसे अधिक उम्र वर्ग में 90 वर्ष के एक बुजुर्ग संक्रमित हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंगलवार को राज्य में 436 जबकि पटना जिले में 192 नए संक्रमित मिले हैं। दूसरे नंबर पर भागलपुर जिला है जहां आज 41 संक्रमित मिले हैं, खगड़िया में 22, सारण में 15, गया में पूर्णिया और बेगूसराय में 11, वहीं अगर बात की जाए बांका मुजफ्फरपुर में तो 10-10, रोहतास में 9, सिवान और औरंगाबाद में 8-8 नए संक्रमित मिले हैं। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सोमवार से मंगलवार के बीच 127,632 कोविड टेस्ट किए गए, 436 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। राज्य में कोविड संक्रमण दर जो है 0.34%, जबकि पटना में संक्रमण दर 2.85 है। बांका और बेगूसराय में कोरोना संक्रमण दर क्रमशः 4.32 और 1.48% है। बीते 24 घंटे में पूर्व से संक्रमित रहे 361 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। विभाग ने संक्रमण से एक मौत की पुष्टि भी की है। बता दें कि पहली लहर से अब तक राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 12,265 हो गई है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को प्रदेश में 344 नए केस मिले थे। तो धीरे धीरे करके बिहार में कोरोना संक्रमण ने गजब की रफ्तार पकड़ ली। अब देखने वाली बात होगी कि कब कोरोना संक्रमण पर लगाम लग पाता है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।